हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज लास्ट एग्जाम था, थोड़ा बहुत आपके टेंशन हट गई होगी। लॉ का पेपर, होपफुली आपका पेपर अच्छा गया हो, और जिन बच्चों ने लास्ट तैयारी करी शायद उनका पेपर अच्छा ना भी गया हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखा कुछ ही क्वेश्चंस थे जो कि आउट ऑफ बॉक्स था। बाकी पेपर देखा जाए तो ऑनर्स वालों से कुछ कुछ हिस्से लिया गया था। तो जितनी भी हमने तैयारी करी यूट्यूब पे, काफी बच्चों का कॉर्पोरेट अकाउंट पे कहना था सर आपने इतने सारे स्टडी प्लान बनाए, हम कंफ्यूज हो गए। एक लड़की का, एक बच्चे का कहना था, तो क्योंकि कमेंट में लिखता रहता हूँ, तो जो चीजें मेनली बच्चे अपोज करते हैं सर ये चीजें मेरे लिए बेनिफिट नहीं हुआ, तो मैं उस डिस्कस भी कर रहा हूँ आपसे। कुछ बच्चों का था कि पेपर अच्छा गया। देखो कॉर्पोरेट अकाउंट का अगर मैं लास्ट टाइम पे पिता है, सिर्फ आपको मैं होप दे रहा था कि सर आप पढ़ लीजिए, मैं ये चाहता हूं कि आपसे पास तो हो जाए कम से कम। कॉर्पोरेट अकाउंट आपने पढ़ा और देखा भी कि वो सब्जेक्ट नहीं है कि 10 से 12 दिन में खत्म किया जा सके। अब एट अ टाइम पे सपोज करो अगर मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास लास्ट मोमेंट में पेशेंट आएगा, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि भाई आप नहीं बच सकते, आपकी लास्ट सांस से चल रही है, आप खत्म हो जाओगे। उससे वो शायद 10 दिन जो जिंदा रहे वो भी ना ले पाए। तो मेरा भी यही प्रस्पेक्टिस था कि भाई प्रस्पेक्टिव मेरा जो था प्रस्पेक्टिव कि आपका पेपर 4 दिन है, भले 3 दिन है, कम से कम मैथ्स इतना तो करके जाओ, क्या पता आप पास हो जाओ, पेपर खाली ना छोड़ के जाओ या सोचो कि अगली बार दे, बस ये मोटिव था। बाकी कौन का पेपर जैसा भी गया, पेपर मैं कहूंगा इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपने शुरू से पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ा होगा उनका पेपर बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा होगा, उनका पेपर अच्छा गया होगा। जिन्होंने लास्ट में बस फटाफट से वीडियो देखा, वो लोग भी मैं जानता हूँ आप सभी बच्चों ने लास्ट मोमेंट पे देखा, लास्ट मोमेंट पे ऐसे ना पढ़ाई हो नहीं पाती, मैं सही बताऊँ ना। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे तरीके से करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी कोर्स कर लो प्रोफेशनल, उसके अंदर दिक्कत ही नहीं आएगी। डीयू के अंदर इतने सारे सिलेबस करे हुए ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स करा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं, सब कुछ बता दिया है, इतने सारे जो बाकी आगे है साल में एनईपी के अंदर। तो मैं वही कहूंगा कि आप अभी ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, आज पेपर दे के आए, एग्जाम खत्म हुआ है। हाँ, एसएनयू वाले बच्चों का, ऑनर्स वालों का नहीं खत्म हुआ, बाकी रेमनेंट वालों का, एनसी वेब वालों का, ऑनर्स प्रोग्राम दोनों का खत्म हो गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप कल से भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मैं जानता हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मैंने, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम भी है, एकदम स्मूथली स्लोली, और हम सब्जेक्ट्स को स्टार्ट भी करेंगे, पढ़ेंगे। जिस तरीके से पहले हम यूट्यूब पे स्टडी कर रहे थे, वो यूट्यूब पे स्टडी जारी रहेगी, हम पढ़ते रहेंगे। दूसरा, जो बच्चे पेड कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि हमें नोट्स नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, सही से मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास। तो आपकी आज की वीडियो का खास पर्पज था कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है ना? आपका बीकॉम सेमेस्टर 3 में, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि सेमेस्टर 3 में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपका न्यू एडमिशन होना है, सेकेंड ईयर में आ जाना है। तो सेमेस्टर 3 के अंदर वही 7 सब्जेक्ट रहते हैं, तो कोर सब्जेक्ट 3 है, जिसमें से कोर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा ऑनर्स, दोनों के पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक आपका प्रिंसिपल मार्केटिंग, दोनों के पास है, चाहे प्रोग्राम का ऑनर्स का हो, और ऑनर्स के पास बिजनेस मैथ्स है, प्रोग्राम के पास बिजनेस स्टैट्स है। ये कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि तो आप भी जानते हो कि आपके दोस्त का कुछ हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, मैं कोर सब्जेक्ट का तो आपको बता रहा हूँ। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन, जैसे पेपर दिया था आपके, टोटल चैप्टर 13 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, 13 से लेके 15 है, कुछ चैप्टर को मैंने मर्ज किया है यहाँ पे, तो 13 से लेके 15 आपके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 3। बच्चा चाहे आप ना बीकॉम ऑनर्स के हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हो, चाहे आप प्रोग्राम को, फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट, ठीक है? और ये इतना आसान सब्जेक्ट्स भी नहीं है, इसके लिए आपके मतलब पेपर, इसके अंदर सॉल्यूशन इतने लेंदी नहीं होंगे, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी कर सकते हो, फुल्ली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एकदम। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा आपको सर, यूनिट 1 थ्योरी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये थ्योरी का चैप्टर है, और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। ये पहले यूनिट में ये 2 चैप्टर है, दूसरे यूनिट में एक चैप्टर है, दैट इज कैपिटल बस्टिंग, सबसे बड़ा चैप्टर है आपका दूसरे यूनिट में कैपिटल बस्टिंग, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह यूज होते हैं।
तीसरे यूनिट में ज्यादा चैप्टर है लेकिन छोटे छोटे चैप्टर है, लीवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ईबीआईटी है, वैल्यू ऑफ फंड। मैं हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं एक बताऊं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, पैसे को मैनेज करना, पैसे को हमें किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना वो हमें सिखाता है। इसका एमबीए के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जो बच्चे आगे एमबीए करने का सोच रहे हैं या फिर एमबीए सोचा हुआ है कि करेंगे या करेंगे इन फ्यूचर, नहीं सोचा फिर भी बाद में कर लेते हैं, तो वहां भी इनका बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी के शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है नहीं देना है, वर्किंग कैपिटल पैसे हमें बिजनेस में चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों के लिए पैसे चाहिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट डेटर से पैसे कितनी जल्दी रिकवर करें, कैश मैनेजमेंट हम कैश को कैसे मैनेज करें, और ईयूक्यू एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो ये थोड़ा सीरियस है जो कि आपके सामने है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप डिले मत करिए, मैं आपका जो बैच है ना ये बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा। होपफुली मैं 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट कर दूंगा 10 से, क्योंकि 10-12 तक ना ऑनर्स वालों का भी पेपर खत्म हो जाएगा। मैं सारे सिलेबस आपका यही है, आपको पता है जैसे कि 19 और 20 का मान लीजिए आपको वही क्राइटेरिया रहेगा, ये भी यूनिट 19 का 19 का 19 का 19 का 19 का, इस तरीके से 5 यूनिट मान सकते हैं। तो मैं 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट कर दूंगा, इसके अंदर सभी चैप्टर जितने भी चैप्टर देख रहे हैं और आज डेट देख लीजिए, सारा का सारा चैप्टर मैं एप्लीकेशन पे लाइव कराने वाला हूँ सभी बच्चों को, बिल्कुल लाइव। पिछली बार क्या था, बुक बहुत बच्चे परेशान थे, उसके मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात मैं करूँ आपको, आपको जो बुक से पढ़ना होगा इस बार आपको बुक से पढ़ना होगा, और प्लस मैं 10 ईयर भी पढ़ाऊंगा इस बार। 10 ईयर मार्केट में बहुत जल्दी पूरा प्रिपरेशन मोड पे आ चुका है, हो चुका है, ऑलमोस्ट मैंने फाइनलाइज भी कर दिया, क्योंकि दोनों काम मैं कर रहा था। 10 दिन में 10 ईयर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसका सेमेस्टर 3 की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर 5 वाले बच्चों को बताइए कैसे करना है नहीं करना, 5 वाले वैसे बने रहे। हाँ, अगर कोई नया बच्चा 5 वाला देख रहा है तो यही सेम सिलेबस सेमेस्टर 5 के अंदर भी है, तो कंफ्यूज नहीं। आपको आरपी रिस्क होगी जो पूरे डीयू में चलता है, बुक ठीक है ना, और 10 ईयर आपको परचेज करना है। सिंपली 10 ईयर बाद में परचेज कर लेंगे। इस बार मैं 100% 10 ईयर पूरा कवरेज करने वाला हूँ और 100% बुक भी कवर करने वाला हूँ। देखिए मैं आपको इतना करवा दूंगा, अगर आप अभी से ज्वाइन होते हैं, अभी से आप लिंक के पढ़ते हैं, ज्वाइन होने का मतलब ये नहीं कि उसको देखते हैं अभी से, जैसे मैं यूट्यूब पर भी वीडियो डाल रहा हूँ, साथ के साथ नोट्स बना लिया, साथ के साथ बुक खरीद लिया, स्क्रीनशॉट के ऊपर डिपेंडेंसी मतलब कि तरीके से पढ़ते हैं, तो आपका पेपर जब आप दोगे ना तो बिलीव करना, यकीन करना, बोलोगे सर मैंने इतनी जल्दी क्यों पढ़ा, इतने आसान पेपर के लिए, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको पढ़ाना नहीं, आपको नॉलेज देना चाहता हूँ बेसिकली। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों को हम एलिमिनेट करेंगे। पहला यूनिट जो मैं स्टार्ट करूंगा ना वो यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक बेसिक चीजें, और यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव क्लासेस 10 से स्टार्ट हो जाएगी और यूट्यूब पे भी वीडियो आएंगी, ऐसे बात नहीं है कि आप सभी बच्चे यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे तो बहुत बच्चे एक्टिव रहते हैं उनके लिए भी आएगी, क्योंकि अभी से ही काफी बच्चों ने एनरोलमेंट कर लिया है और उन्हें 3rd सेमेस्टर के लिए। तो 3rd सेमेस्टर के अंदर मेरे पास लिमिटेड, ओनली लिमिटेड सीट रहने वाली है, ज्यादा होता नहीं, क्योंकि इस बार दिक्कत आ गई थी एप्लीकेशन पे ना, ये दिक्कत आ गई थी कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, सिल्वर का इशू आ गया था, तो लिमिटेड स्टूडेंट। तो जिन बच्चों को बाय करना है वो जाके एप्लीकेशन पे खरीद भी सकते हैं, और जो बच्चे यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही रहेगा, किसी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है ना सर। एप्लीकेशन पे एक बार बच्चे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर प्राइस क्या होगा, अगर मैं प्राइस की बात करूं ना तो 1000 रुपया होगा, ना तो आपका 800 रुपया होगा, ना तो आपका 700 रुपया होगा, ना तो आपका 600 रुपया होगा, प्राइस मिनिमम से मिनिमम मिलेगा जो कि एक बच्चे के लिए अफोर्डेबल हो, 1 डे का आपका पॉकेट मनी एटलीस्ट हो कि इतना हो 1 डे। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर कॉन्टेक्ट बिल्कुल गिवन है, आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस, मैंने कह दिया 600 से भी कम होगा, 650 से भी कम होगा, ठीक है ना, तो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, और सारी क्लासेस आपके सीक्वेंस से लाइव मिलेंगी, और होपफुली इस बार, क्योंकि पिछले बार बच्चे तो थे लेकिन लाइव नहीं आते थे, तो जो गलती करिए ना मेरे हिसाब से, मे बी आप लोगों ने, मेरे ये मानना है कि जितना भी आप लोगों ने मिस्टेक्स किया है पहले,
पहले सेमेस्टर वन ही तो उससे आपने बहुत ज्यादा सीख ली है, तो 2 सेमेस्टर हमारे अगर मान लेते हैं बुरे भी गए तो हम उसको आगे अच्छे कर सकते हैं, हम अभी से एक्टिव रहेंगे तो बहुत अच्छा सेमेस्टर जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको वहीं पे अवेलेबल होगा, वहां पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको इजिली सारी चीजें बता दी जाएगी। कोर्स लॉन्च कर दिया गया है तो होपफुली आपको समझ में आई होगी सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच, हम आगे की डिस्कशन और भी करेंगे, डिटेल में क्या सीखना सीखेंगे सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। मैं बहुत लेट नाइट हो गया है, अभी क्लास ओवर किया, मैंने सोचा आज पेपर खत्म हुआ बच्चों को इंटीमेट कर दे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि हमें ज्वाइन करना है, तो कोर्स भी लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे, और वही वेबसाइट पे भी देख सकते हो, एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो सारी चीजें हैं, तो आप फोन से बाय भी कर सकते हो। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डालूंगा, सारा यूट्यूब पे रहेगा। बस हाँ, यूट्यूब पे पता है दिक्कत क्या होती है, एक तो आपको लाइव क्लास नहीं मिल पाता, एक नोट सेशन नहीं हो पाता, तीसरा आपको पीडीएफ के नोट्स नहीं मिल पाते क्लास नोट्स, क्योंकि जो मैं क्लास में करवाता हूँ वो सारे नोट्स भी मैं दे देता हूँ बच्चों को। 3 चीजें ये रह जाती है जो कि मेजर चीजें हैं, आपका डाउट ना एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, तो डाउट के लिए आप लाइव में भी पूछ सकते हैं, अलग से स्पेशली आपको भी दे दिया जाता है जहाँ पे आपका डाउट सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीजें थी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जितने बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, लाइव क्लास आपका बहुत जल्दी 10 तारीख 8 तारीख के बीच में मैं स्टार्ट कर दूंगा, नोटिफिकेशन आप सभी को दे दूंगा 1 डे बिफोर, लेकिन बहुत जल्दी बस 10 से पहले पहले आपको स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया और आप एकदम रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है आपका, मैं यही सोचूंगा कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। जिन जिन बच्चों का आज लॉ का पेपर कैसे गया कमेंट में जरूर लिखना कि हमारे वीडियो से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारे वीडियो से बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर मैं और मेहनत करूंगा कि भाई कुछ ऐसा भी इम्पेक्ट करे जिसमें कि अच्छे से बेनिफिट हो। हाँ, वो सारे रिविजन वीडियो थे, शॉर्ट वीडियो थे, रिटेन वीडियो तो सिर्फ क्लास के अंदर डाला जाता है, क्लास के अंदर लेते हैं तो शुरू से पढ़ते हैं, फिर समझ सकते हैं वीडियो में कितना कर सकते हैं और मैं कितना कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।